नमस्कार दोस्तों, धूली द व्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, जीवन के हर मोड़ से अगर आप परेशानियों से गुजर रहे हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। अक्सर लोग अच्छी चीजों का ही मजाक बनाते हैं और बुरी चीजों को बड़े चाव से देखते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर जीवन में सही दिशा देनी है तो जरूर कुछ चीज नई चीजें जानने की कोशिश कीजिए, जिस चीज से आपका भला हो, जिस चीज से आपकी अच्छी भावना जागृत हो और जिस चीज से आपके कर्म अच्छे हो, तो उन चीजों को बार बार देखिए, ना कि गलत चीजों को जीवन में हमेशा दोहराते रहिए और गलत चीजों को ही अट्रैक्ट कीजिए। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि आपके जीवन में कुछ अच्छी चीजें लाऊं, कुछ अच्छी नॉलेज लाऊं और आपके जीवन से या फिर परेशानियों से आपको जीवन में कुछ नई राह दिखाऊं, ताकि आप अपने जीवन में आगे बढ़े और परेशानियों से बाहर निकले। तो ज्यादा देर नहीं करती हूँ, आज के वीडियो को आगे बढ़ाती हूँ। लेकिन हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए। वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जीवन में एक ऐसा समय जरूर आता है जब हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और ऐसे समय में हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। एक्चुअली में जो बातें होती है वो होती है कि क्रिएटर हम खुद हैं, यानी कि आपके जीवन में क्या अच्छा है क्या गलत है इसका चुनाव भी हम खुद ही करते हैं। कोई आकर परोस कर नहीं जाता, या फिर कोई इतना भी हिम्मत वाला नहीं होता है कि जब तक आप उसे अलाउ ना करें वो खुद आकर आपके जीवन में परेशानियों को परोस कर चले जाए। सबसे पहले इस उपाय को जानने के लिए आप ये जानिए कि कहाँ आपको हाँ कहना है, कहाँ आपको ना कहना है। तो हमेशा सही दिशा चुनिए, हमेशा सही उपदेश सुनिए और कभी कभी किसी और का भी उपदेश ले लिया कीजिए। इससे जीवन में सही दिशा जरूर मिलेगी। अब चलिए मैं बात करती हूँ कि अगर आप किसी भी परेशानियों से गुजर रहे हैं, ऐसे में जब मन परेशान होता है तो हमें पूजा पाठ करने का मन बिल्कुल नहीं करता। हम बहुत सारे उपाय भी जानना तो चाहते हैं लेकिन करते नहीं है, क्योंकि उस समय हमारा मन हमें ना तो समय दे रहा होता है सोचने को और ना ही हमें कुछ करने के लिए वो आत्मबल प्रदान कर रहा होता है। तो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ सुनने मात्र से आपके जीवन से परेशानियां दूर हो सकती है। तो सबसे पहले इस उपाय को करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ सुनने का काम करना है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं महामृत्युंजय मंत्र की। अगर आप सुबह उठते ही अपने घर में किसी भी म्यूजिक सिस्टम में या फिर आप हेडफोन का यूज करते हैं, तो फिर आप महामृत्युंजय मंत्र आप म्यूजिक के तौर पर, आपको YouTube में अवेलेबल है, Spotify में अवेलेबल है या फिर किसी भी ऐसे ऐप में अवेलेबल है जहां पर आप स्पिरिचुअल चीजों को सुन सकते हैं, तो आप सुबह अगर आपके घर में वास्तु दोष भी है तो वास्तु दोष को भी दूर करने के लिए आप किसी भी म्यूजिक सिस्टम आप महामृत्युंजय मंत्र को फॉर हाफ एन आवर से चला दीजिए घर के लिए। ये जो साउंड जो क्रिएट करता है जब ये बजता है, तो दैट मीन्स इसके वाइब्रेशन से आपके घर में जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज है वो दूर होनी शुरू हो जाती है। दूसरी बात, इसके वाइब्रेशन से आपका वास्तु दोष दूर होता है। तीसरी बात, इसके वाइब्रेशन से, महामृत्युंजय मंत्र के वाइब्रेशन से आपके घर में आ रहे अघटन को दूर किया जा सकता है, दुर्घटना को कम किया जा सकता है, यहाँ तक कि आप अपनी स्वयं की रक्षा कर सकते हैं महामृत्युंजय मंत्र से। महामृत्युंजय मंत्र प्रत्येक दिन सुनने का अर्थ होता है कि आपके जीवन में आप हर समस्याओं का अंत कर रहे होते हैं। आपके घर में अगर हमेशा कलह रहता है, आपके घर में अगर हमेशा बीमारियां रहती है, आर्थिक संकट रहता है, तो महामृत्युंजय मंत्र से बड़ा कोई वरदान साबित नहीं हो सकता है। तो यानी कि महामृत्युंजय मंत्र अगर आप सुबह और शाम को ये दो टाइम अगर आप अपने किसी भी म्यूजिक सिस्टम में से चला देते हैं, बजा देते हैं, और इसकी ध्वनि, इसके जो मंत्र है, इसका जो प्रभाव किसी के भी जिनके जिनके कानों तक ये पहुंचता है वहां तक आप समझ लीजिए कि उसके जीवन में आ रही समस्याओं को ये दूर कर देता है। तो ये इतना ज्यादा पावरफुल होता है। तो हर एक चीज को दूर करने के लिए बहुत सारे नियम बताए गए हैं हमारे सनातन धर्म में। तो सनातन धर्म की रक्षा तभी होगी जब हम छोटे छोटे उपायों को अपने जीवन में जरूर अपनाएंगे। हमें जरूरत नहीं है दिखावे की, लेकिन जो हमें मालूम है, जो हमें पावर देती है, जो हमें हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए जो ऊर्जा प्रदान करती है, अगर वो ऊर्जा हमारी डिस्टर्ब हो जाती है तो हमारे पास इतने सारे खजाने हैं मंत्रों के, स्तोत्रों के और चालीसाओं के, जिनसे हम अपने जीवन में मिराकल घटित कर सकते हैं।
तो यानी कि आज का जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो बहुत परेशान रहते हैं जीवन में, कभी भी अपनी दिशा को निर्धारित नहीं कर पाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, कहाँ आगे बढ़ना है कहाँ आगे नहीं बढ़ना है, तो उनके लिए ये वीडियो आज का था। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक जरूर लाऊंगी और हमेशा लाऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।